हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज माय थॉमस हार्डी स्टार्ट करूंगी। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने आज फाइनली आपको सोचा है कि आप सबके साथ मैं स्टार्ट करूं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स। और मैं आपको लास्ट में आपको मैं स्क्रीनशॉट में आपको डाल दूंगी कि मेरे जो व्यूअर्स के व्यूज़ एज कम्पेयर्ड नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, 76 और 28 के रेशियोज़ है। सो प्लीज़, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन। वन इवनिंग ऑफ लेट समर बिफोर द 19th century, मतलब लेट समर मतलब समर एंड होने पे अब आ गया है, बिफोर द 19th century, मतलब 19th century के बिफोर द 19th century हैड रीच 1/3 ऑफ इट्स स्पैन, मतलब अब 19th century जो है वो 1/3 में अभी तक नहीं पहुंचा, मतलब अब पूरा एंड नहीं हुआ 19th century। अ यंग बॉय, मतलब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ समझ लीजिए 19th century, अ यंग मैन एंड वुमेन, या एक एक और एक, मतलब यार समझ जाइए, एक आदमी और एक औरत का कहानी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। द लैटर मतलब वुमेन कैरिंग अ चाइल्ड वर अप्रोचिंग द लार्ज, ये लोग कहाँ जा रहे थे, लार्ज विलेज ऑफ वेडन प्रायर्स इन अपर वेसेक्स ऑन फुट, बाय फुट वो लोग जा रहे थे। दे वर प्लेनली बट नॉट इल क्लैड, प्लेनली थे वो लोग, आम कपड़ा पहन के थे, इल क्लैड मतलब इल ड्रेस नहीं थे। दो द थिक होर ऑफ डस्ट विच हैड एक्यूमुलेटेड ऑन देयर शूज एंड गारमेंट्स, तो मतलब बहुत, तो हम लोग कोई लॉन्ग जर्नी करके आते हैं तो हमारे जूते समझ में आता है कि हमने कितना वॉक किया है। तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है थॉमस हार्डी ने, कि जो थिक होर मतलब डस्ट जो है उनके जूतों में ऐसा लगा हुआ था, हैड एक्यूमुलेट ऑन द शूज और गारमेंट्स मेड फ्रॉम एन ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी, क्योंकि वाकई वो लोग बहुत लॉन्ग जर्नी करके आ रहे, उनके जूतों से और उनके कपड़ों में जो डस्ट था उससे हम लोग ये चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। लेंट आर डिसएडवांटेजियस शैबनेस टू देयर अपीयरेंस जस्ट नाउ, और उनको देखने में अभी ऐसा लग रहा था कि उनका जो अपीयरेंसेज है वो बहुत ही शैबी, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन में था, कपड़ों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी डस्ट की वजह से। द मैन वॉज ऑफ फाइन फिगर, फिगर अच्छा था, मतलब हाइट अच्छा था, स्वादी स्वादी हियर मीन्स डार्क कम्प्लेक्शन एंड स्टर्न एंड रिस्पेक्ट, मतलब काफी रिस्पेक्ट, मतलब फुल ऑफ रिस्पेक्ट था, स्ट्रिक्ट था बहुत ज़्यादा। एंड ही शोड इन प्रोफाइल अ फेशियल एंगल सो स्लाइटली इंक्लाइंड एज टू बी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, मतलब उसका जो फेशियल का जो मतलब वो आप लोग हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फेस का जो स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन कर, ऐसा लग रहा था कि स्लाइटली इंक्लाइंड है और 90 degree के लगभग में था, परपेंडिकुलर हियर मीन्स 90 degree के लगभग में था। He wore a, अब कितना अच्छा से उन्होंने डिफाइन किया, देखो आप, He wore a, ऐसे लगेगा ना आपको कि आपके सामने में वो इंसान का पिक्चर आ गया है। He wore a short jacket of brown corduroy, corduroy एक मतलब एक हम लोग कह सकते हैं हार्ड एक मटेरियल से बनता है, ठीक है, corduroy newer than the remainder of his suit, मतलब उसका जो जैकेट है शॉर्ट जैकेट उसके बाकी कपड़ों से थोड़ा सा न्यू लग रहा था, ठीक है। Which was a fustian waistcoat with white horns buttons, उसमें बटन थे, ब्रीचेज ऑफ द सेम, मतलब ब्रीचेज भी जो है वो व्हाइट थे, टैंड लेगिंग्स था उसका, एंड अ स्ट्रॉ हैट था ओवरलेड विद ब्लैक ग्लेस कैनवस, और उसके ऊपर में ब्लैक ग्लेस था, कवरिंग था कपड़े का, ठीक। एट हिज बैक ही कैरीड बाय अ लूप्ड स्ट्रैप अ रश बास्केट, अब उसके पीछे में क्या था, एक रश बास्केट था, फ्रॉम विच प्रोट्यूडेड हियर मींस प्रोजेक्टेड, मतलब उससे दिख रहा क्या था, एट वन एंड द क्रच ऑफ अ हे नाइफ, एक नाइफ दिख रहा था, A wimble मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग होल्स कर सकते हैं, फॉर हे बॉन्स बींग ऑल्सो विजिबल इन द एपर्चर, एपर्चर वो जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं। हिज मेजर्ड स्प्रिंगलेस वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ स्किल्ड कंट्रीमैन, कंट्रीमैन या मीन्स जो लोग गाँव में रहते हैं वहां उसका जो वॉक था वो वैसा था, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिजल्ट्री शैम्बल ऑफ द जनरल लेबरर, मतलब बाकी आम लेबरर से थोड़ा कंप्लीटली थोड़ा अलग था। वाइल इन द टर्न एंड प्लांट ऑफ ईच फुट देयर वाज फर्दर अ डॉग्ड एंड सिनिकल इनडिफरेंस पर्सनल टू हिमसेल्फ, एक अलग अलग ही सिनिकल यानी कि स्मॉल ओपनिंग, जो इसका जो इनडिफरेंसेस था वो काफी डिफरेंट हो रहा था,
कैसे शोइंग इट्स प्रेजेंस इवन इन द रेगुलरली इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, नाउ इन द लेफ्ट लेग, नाउ इन द राइट एज ही पेस अलोंग. मतलब हर उसके मूवमेंट्स में अलग अलग उसका, मतलब वो अलग तरीके का दिख रहा था हर अलग अलग एंगल से. हाँ, बट वट वॉज रियली पिक्यूलियर हाउएवर इन दिस कपल्स प्रोग्रेस एंड वुड हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ एनी कैजुअल ऑब्जर्वर. क्या सबसे ज्यादा पिक्यूलियर था जो सबको अट्रैक्ट कर रहा था कैजुअल ऑब्जर्वर को, अदरवाइज डिस्पोज टू ओवरलुक देम, वाज द परफेक्ट साइलेंस दे प्रिजर्व. मतलब कंप्लीटली वो लोग साइलेंस में वॉक कर रहे थे, मतलब जो देखने वाले लोग उनको अटेंशन से देख रहे थे. बस यही एक चीज था जो अटेंशन ग्रैब कर रहा था. दे वॉक साइड बाय साइड इन सच अ वे एज टू सजेस्ट अ फार ऑफ द लो इजी कॉन्फिडेंशियल चैट ऑफ द पीपल फुल ऑफ रेसिप्रोसिटी. मतलब जो लोग दूर भी अगर जो चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी आवाजें भी उनको समझ में आ रही थी. ठीक है, बट ऑन क्लोजर व्यू इट कुड बी डिस्कर्न दैट द मैन वाज रीडिंग. पर अगर आप उस इंसान को नजदीक से देखते हैं तो ऐसा लग रहा था. डिस्कर्न यह मीन्स टू सी समथिंग इन अ डिफिकल्टी. थोड़ा डिस्कर्न मतलब आगे अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो आपको समझ में आता कि वो इंसान कुछ पढ़ रहा था या तो प्रिटेंड कर रहा था. और प्रिटेंडिंग टू रीड a ballot sheet which he kept before his eyes with some difficulty by the hand it was passed through the basket strap. uske jo is basket se jo ja raha tha uska haath usi basket mein usne haath mein samne usne ek paper sheet rakha tha that was passed through the basket strap. whether this apparent cause was the real cause or whether it was an assumed one to escape an intercourse that would have been irksome to him, ya to wo janmuch ke apparent cause tha ya real cause tha, वो किसी भी इंटरकोर्स यानी किसी भी कॉन्वर्सेशन में उसको आना नहीं था. ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वो अर्कसम या मीन्स अनोइंग, उसके लिए वो अनोइंग हो सकता था. नोबडी बट हिमसेल्फ कुड हैव सेड प्रिसाइसली, कोई नहीं बोल पा रहा था, पर वो सिर्फ ये बता सकता था. बट हिज टैकिटर्निटी, टैकिटर्निटी मतलब आप अनफ्रेंडली हो रहे हो थोड़ा, वॉज अनब्रोकन एंड द वुमेन एंजॉयड नो सोसाइटी वट एवर फ्रॉम हिज प्रेजेंस. उसको अपनी मतलब अपने जो जो जिसके साथ वो जा रही थी, हस्बैंड एंड वाइफ ही थे वो लोग, बाद में आपको वो भी डिफाइन हो जाएगा कि वो लोग जो जा रहे थे तो वो अपने हस्बैंड से उसको कोई सोसाइटी मतलब कोई कंपनी नहीं मिल रहा था. वर्चुअली शी वॉक द हाईवे अलोन, ऐसा दिख रहा था कि वो हाईवे मतलब एकदम ही अकेले ही वॉक कर रही है. सेफ फॉर द चाइल्ड शी बो सम टाइम द मैंस बेंट एल्बो ऑलमोस्ट टच्ड हर शोल्डर. उसका जो एल्बो था ना बेंट, वो कुछ कुछ कभी कभी उसके शोल्डर को टच करता. वो शी केप्ट एज क्लोज टू हिज साइड एज वाज पॉसिबल विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट. वो जितना हो सके कोशिश की उसके साथ में रहने विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट. बट शी सीम टू हैव नो आइडिया ऑफ टेकिंग हिज आर्म नॉर ही ऑफ ऑफरिंग इट. ना कभी उसने अपना हाथ बढ़ाया ना कभी वो कभी सोची कि वो उसका हाथ बढ़ाए. एंड फार फ्रॉम एग्जिबिटिंग सरप्राइज एट हिज इग्नोरिंग साइलेंस शी अपीयर टू रिसीव इट एज अ नेचुरल थिंग. वो उसको मतलब बहुत ही कैजुअली ली वो, उसको नेचुरल ली वो उसका साइलेंस को. इफ एनी वर्ड एट ऑल वर अटर्ड बाय द लिटिल ग्रुप, ये तीन लोगों के ग्रुप में अगर कोई चीज जो था वो बातचीत का हो रहा था, इट वॉज एन ओकेजनल विस्पर ऑफ द वुमेन टू द चाइल्ड. औरत अपने बच्चे से कभी कभी थोड़ा विस्पर कर रही थी. वो चाइल्ड अ टाइनी गर्ल इन शॉर्ट क्लोथ एंड ब्लू बूट्स ऑफ निटेड यार्न, जो बूट्स थे वो निटेड थे. ठीक है, एंड द मर्मर्ड बैबल ऑफ द चाइल्ड इन रिप्लाई. बस यही सुनने में आ रहा था, वो कुछ बोल रही थी, बच्चा कुछ बबला बबला के कुछ बोल रहा था. द चीफ ऑलमोस्ट द ओनली अट्रैक्शन ऑफ द यंग वुमेन्स फेस वॉज इट्स मोबिलिटी. When she looked down sideways to the girl, she became pretty. अब यहाँ किसने beautifully explain किया औरत को कि जब वो sideways से देखती तब वो बहुत pretty लगती and even handsome, particularly that in the action her features caught slant ways the rays of the strongly coloured sun which made transparencies of her eyelids and nostrils and set fire on her lips. मतलब so beautiful it is कि जब जो सूरज का जो किरण उसकी झलक में पड़ रहा था तो साइड वेज से वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका आईलेज उसका नोस्ट्रिल सब एकदम ऐसा लग रहा था कि सब में एकदम फायर मतलब एकदम एक होता ना ग्लेज आ रहा था एक चमक आ रहा था. व्हेन शी प्लॉडेड ऑन इन द शेड ऑफ द हेज, मतलब हेज मतलब एक जो रो होते हैं बुशेस के, साइलेंटली थिंकिंग शी हैड द हार्ट हाफ एपेथेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द वन हु डीम्स एनीथिंग पॉसिबल इन द हैंड्स ऑफ टाइम एंड चांस एक्सेप्ट Perhaps fair play.
मतलब वो जब सोच के जा रही थी, शी हैड द हार्ड हाफ पैथेटिक, मतलब एक एक्सप्रेशन जो एक लैक कर रहा था, या तो वक्त की वजह से या चांस की वजह से. द फर्स्ट फीस वॉज द वर्क ऑफ नेचर एंड द सेकेंड प्रॉबेबली ऑफ द सिविलाइजेशन. वेरी गुड. पहला जो उसका जो ब्यूटी के बारे में जब डिफाइन किया जब राइटर ने, तो वो कह रहा है कि वो वर्क ऑफ नेचर है, और उसका जो एक्सप्रेशन, उसका जो मतलब एक बहुत ही मतलब उनका जो बिहेवियर, वो प्रोबेबली उसका सिविलाइजेशन की वजह से था. द मैन एंड द वुमेन वर हस्बैंड एंड वाइफ एंड द पेरेंट ऑफ द गर्ल इन आर्म्स देयर कुड बी लिटिल डाउट. समझ में आ गया, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और बच्ची उसकी बच्ची है, उनकी बच्ची है. No other than such relationship could have accounted for the atmosphere of still firm familiarity which the trio carried along with them like a nimbus. मतलब नींबू जो था ना, ग्रे कलर्ड ग्रेन क्लाउड है, ठीक है, एज दे मूव डाउन द रोड. मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम आराम से वो लोग चल रहे हैं एकदम. द वाइफ मोस्टली केप्ट हर आईज फिक्स्ड अहेड, उसका आंख एकदम सीधा स्ट्रेट था. दो विद लिटिल इंटरेस्ट द सीन फॉर दैट मैटर बींग वन दैट might have been matched at almost any spot in any country in England at this time of the year. मतलब the scene जो था वो मतलब आप देख सकते हैं might have been matched at almost any spot in any country in England. मतलब इसका कहने का मतलब है कि अभी हो रहा था तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे इंग्लैंड में. A road neither straight nor crook, neither level nor hilly. मतलब ऐसा रोड के बारे A road neither straight nor crook, neither level nor hilly, broadened by hedges, trees and other vegetation, which had entered the blackened green stage of colour when the doomed leaves passed through their on their way to dingy and yellow and red. मतलब पूरा trees के बारे में definitions हो रहा है, कैसे वो आ रहा था, कैसे सारे trees का colours यहाँ पे define हो रहा है. The grassy margin of the bank मतलब जो नदी का जो किनारा होता है bank. And the nearest hedge bro, मतलब जो nearest जो सबसे side में जो उसका hedge जो bushes था row में के हिसाब से, वो powdered by the dust it had been stirred over them by the hasty vehicles. और vehicles की वजह से इतना ज़्यादा dust हो गया था कि वो जो bushes पूरे एकदम dusty हो गए थे. The same dust as it lay on the road deadening their footfalls like a carpet. ऐसा लगा वही dust जो है ना पूरा फैल गया रास्ते में और पूरा carpet की जैसा हो गया है. And this with the aforesaid total absence of conversation allowed every extraneous sound to be heard. Extraneous मतलब irrelevant, जो जरूरत का भी नहीं sound है वो भी, क्योंकि उन लोग एकदम silently walk कर रहे थे. तो उन लोग जितना silently walk कर रहे थे उसकी वजह से जो है हर जो आवाज जो हम लोग ऐसा होता नहीं कि हम लोग जब वो सब silent होते हैं तो हर चीजों की आवाज आती है हमारे, यहाँ तक कि हम लोग अगर पूरा घर शांत होता है तो हम लोगों को घड़ी की टिक टिक की भी आवाज सुनाई देती है बहुत ज्यादा टाइम. तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर साउंड उन लोगों को सुनाई दे रहा था. सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूंगी, और मैं इसीलिए आपसे आपके सामने आ रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ एक टीचर और एक स्टूडेंट वाला से ज्यादा मुझे एक फ्रेंडली टच भी आप लोगों को देना था, एक फ्रेंडली थोड़ा सा हम लोग के बीच में होता, क्योंकि ज़्यादा इनफॉर्मल लग रहा था. तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहा था तो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगेगा आपको मेरे साथ पढ़ने में. एंड हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, अ वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मैं बाकी के भी आपको बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की. टिल देन प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.